सो गाइस आज की क्लास फाइनली स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ के नदियां से देखेंगे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम और पीएससी का है। ये क्वेश्चन देखिएगा, व्यापम और पीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विगत वर्ग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ वन लाइनर टेस्ट रूप में, ठीक है। टेस्ट के साथ देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में नदियाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। जाने आने वाले एग्जाम में आपके जैसे पीएससी प्री एग्जाम आपका होने वाला है 12 फरवरी को, उसमें क्या पता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला देखते हैं। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है, आपका सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में पूछा गया है। देखिए जो नांद घाट है आपका शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो शिवनाथ नदी है आप सभी को मालूम है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्या आएगा शिवनाथ नदी। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका शिवनाथ नदी होगा। और जो शिवनाथ नदी है आपका महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और जो शिवनाथ नदी है कौन सी दिशा में बहती है, तो आप बताइएगा उत्तर दिशा में, ठीक है। कौन सा दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है शिवनाथ नदी। चलिए सेकंड है आपका वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम और पीएससी। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। आने वाले कल की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारत का सामान्य ज्ञान लेकर आऊँगा, ठीक है। और जो लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल में, तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, बिल्कुल फ्री क्लासेस कराया गया है, सभी वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। जाके आप बारी बारी से सभी क्लासेस कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हसदेव नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है, ये आपका महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया था, ठीक है। जो हसदेव नदी है आपको कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद तालागांव विकास नहीं है, तालागांव है, ठीक है। तालागांव नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप सभी को मालूम है हर एक एग्जाम में आता है मन्यारी नदी, ठीक है। जो तालागांव है आपका मन्यारी नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम का क्वेश्चन है पीएससी का, ठीक है, वन लाइनर। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर यह क्वेश्चन आपने पढ़ लिया सब, जो 90% आपका तैयारी हो जाएगा नदियाँ से, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर पीएससी की। मैं आप सभी को बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा, डेली क्लासेस करा रहा हूँ। यह क्लास आपका 7:30 बजे की रहती है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, भारत का सामान्य ज्ञान आपका 8:30 बजे। इसको नोट कर लीजिएगा, कई लोग टाइम नहीं पता रहता, ठीक है, तो बिल्कुल इस टाइम पर आ जाइएगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगा। चलिए रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे रायपुर खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी, खारून नदी, एक बार कमेंट करके बताइएगा खारून नदी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा कौन सी नदी है, खारून नदी, एक बार लिखिएगा यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा अपना, ठीक है, कमेंट में लिखे खारून नदी, क्या आएगा खारून नदी। रायपुर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताइएगा खारून नदी, ठीक है। अब देखिए रायपुर के प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है, ये आपका भी खारून नदी, रायपुर कौन सा है, खारून, ठीक है। ये आपका हॉस्टल वार्डन में आया हुआ है, हॉस्टल वार्डन 2014 में, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग हॉस्टल वार्डन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। नदियाँ क्वेश्चन देखे रहे हैं, इसके बाद आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए हसदेव नदी जो हसदेव तट पर स्थित है कौन सा है, चांपा, ठीक है, चांपा। आपके व्यापम आर आई यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद हाँ जितने भी क्वेश्चन हैं व्यापम पीएससी का है, ठीक है। जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, देखिए नदियाँ से बहुत सारे एग्जाम आते हैं, नदियाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको डेली क्लासेस करा रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन, इसको रट लीजिए, बिल्कुल यही प्रश्न आ सकता है, ठीक है। 70% इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। सीजीपीएससी
16 में पूछा है जो जगदलपुर है किस नदी के किनारे स्थित है, आप बताइएगा इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। अब जो देखिए जो शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर, यहाँ पर शहर लिखना भूल गए हैं, ठीक है शहर, ठीक है तो जो शिवनाथ नदी है किस किनारे स्थित है, कौन से शहर के किनारे स्थित है, तो आप बताइएगा दुर्ग भिलाई राजनांदगांव, ठीक है। तो कमेंट में देखिए यहाँ पर मैं आंसर लिख दिया हूँ दुर्ग भी और राजनांदगांव भी, ठीक है दुर्ग और राजनांदगांव, यहाँ पर भिलाई भी लिख सकते हैं, ठीक है भिलाई, दुर्ग राजनांदगांव भिलाई के किनारे स्थित है शिवनाथ नदी, ठीक है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है, तो ये आपका सबरी नदी आएगा। कौन सा? सबरी नदी, ये CGPSC AGRI में 2013 में आया हुआ है। इसके बाद कलवा बांध है किस नदी पर निर्मित किया गया, आप सभी को मालूम है कलवा बांध महानदी पर बना हुआ है, ठीक है निर्मित है ना, ये व्यापम 2017 में पूछा है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित जो गंगरेल बांध है उसका अन्य नाम क्या गया, जो गंगरेल बांध था हाल ही में उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है 2016 में उसको चेंज किया गया रविशंकर जलाशय या रविशंकर बांध भी बोल सकते हैं, आपके व्यापम छत्तीसगढ़ 2017 में आया हुआ है। इसके बाद बात करें कि छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना बांध है, तो आप बताइएगा खरखरा बांध, जो खरखरा बांध है और कौन से जिले पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन से जिले में स्थित है, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही है, 2-3 लोगों का आंसर आना चालू हो गया है, बताइएगा जल्दी से, टेस्ट चल रहा है ना इसको रात मतलब याद कर लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम दिलाने से पहले इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा, कभी एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ में कौन सा जो बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है, तो आप सभी बताएंगे खरखरा, मैं याद कराते भी चल रहा हूँ, याद करते जाइएगा, ठीक है याद करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपका PSC में पूछा गया है, फूड इंस्पेक्टर 2008 में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि याद कर लीजिएगा, ठीक है अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल हाँ, आप कौन सी तैयारी करना चाहते हैं, PSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है बहुत बहुत अच्छा है। चलिए उसका एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को है, ठीक है 12 फरवरी को है प्री का, और प्री का तैयारी मैं अपने चैनल पर करवा रहा हूँ, ठीक है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर पर, ठीक है ये मेरा चैनल का नाम है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला, अब देखिए कम वाला पूछेगा अधिक वाला पूछेगा, तो आप बताइए कम में नारायणपुर है, PSC 2019 में आया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन लाइनर क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सा बांध है जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, ये आपका रुद्री बांध है, रुद्री नामा गाँव वाला जो सुने हो ना रुद्री बांध। खुटाखाट बांध किस नदी पर है, खारंग नदी पर खुटाखाट, और जो मिनी माता परियोजना है आपका हसदेव नदी है, और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बांगो बांध है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है सबसे ऊंचा बांध बांगो है, CGPSC 2018 में आया हुआ है, और छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है, ये आपको कोरबा जिले में, इसको याद कर लीजिएगा, ये 17 में आया हुआ है और व्यापम के पटवारी क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अब रिहंद नदी किसकी नदी की सहायक है, जो रिहंद नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो आप बताइएगा गंगा नदी की सहायक नदी है, कौन सी गंगा, और गंगा नदी को हम सोन नदी के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी, सोन नदी, और ये कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है गंगा नदी आपका उत्तर में है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके व्यापम और PSC के लिए, व्यापम और PSC, व्यापम मतलब छत्तीसगढ़ व्यापम, ठीक है हाँ बिल्कुल, हॉस्टल वाड़ाने के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और SI भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी है, SI का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, और देखिए ADO यानी कि जितने भी यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ एग्ज़ाम के बारे में, ये सभी में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20 नंबर हर एक एग्ज़ाम में व्यापम PSC में पूछता है, ठीक है याद कर लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ सामान्य ज्ञान की क्लास है, ये सामान्य अध्ययन, ठीक है आपका छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही है, कल से आपका भारत का क्लास चलेगा यानी कि इंडियन GK, ठीक है वहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन, कहाँ से, संसद से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा,
उप राज्यसभा, ये जितने भी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं आपके संसद से, कार्यपालिका से, ठीक है, कल देखेंगे भारत के समान निगान में। हाँ बिल्कुल नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर बताइएगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बहुत लोगों का आंसर, 71 लोगों का आंसर आया हुआ है महानदी, और बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी है, और सबसे बड़ी महानदी पहला नंबर पर। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भी महानदी को कहा जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी को कहा जाता है। अब ये बताइएगा कि अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, नदी अफवाह तंत्र जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को आ रहा है आंसर। जो छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र है, बिल्कुल सही है, 200 लोगों का आंसर आया है, 200 लोगों का। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया, और बिल्कुल सही है, 201 लोग हो गया यहाँ पर, 203, 204, 205, बिल्कुल सही है। जितने भी आंसर दे रहे हैं ना नदी अफवाह तंत्र के बारे में, 5 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। और ये 5 भागों में बांटा गया कौन कौन सा है, पहला बताइएगा आपका महानदी, दूसरा है आपका गोदावरी नदी, ठीक है, पहला महानदी हो गया, दूसरा गोदावरी नदी हो गया, तीसरा कौन सा आ जाएगा, ब्राह्मणी नदी, ठीक है, चौथा आ जाएगा कौन सा, सोन नदी, और पांचवा आ जाएगा आपका नर्मदा नदी। बिल्कुल सही है, इसको याद कर लीजिएगा, 5 भागों में बांटा गया है नदी अफवाह तंत्र को, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र आपका महानदी होगा, और दूसरा में गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी है जो आपका दक्षिण की ओर बहती है, जो गोदावरी नदी है आपका दक्षिण की ओर बहती है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है, ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बताइए, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डेली क्लासेस करा रहा हूँ, ठीक है, याद करते हुए चलिएगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बच्चे ने पूछा था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो एक बच्चे ने आंसर दिया था कावेरी नदी, और ये जो कावेरी नदी है बिल्कुल गलत है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है आपका नर्मदा नदी, कौन सी है, नर्मदा नदी, ठीक है, एक बार याद कर लीजिएगा, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। अब यहाँ पर आप याद करते चलिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, बाकी का तो आप लोग छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट करो, ठीक है, ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट करो, चलिए आप लोग कॉपी रख लीजिएगा साथ में, कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है, और बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके PSC और व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए कॉपी रख लिए क्या, कॉपी रख ली कि नहीं, जल्दी बताइएगा। जी बिल्कुल सही, जिन लोगों ने अपने साथ कॉपी रखे हैं वो यहाँ पर कमेंट में यस लिखें, कमेंट में यस करके लिखिए कि सर मैंने कॉपी रख लिया है साथ में, आप टॉपिक बोलिए। चलिए कौन कौन रख लिए हैं, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं है, कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ, कॉपी में नोट करते चलिएगा। हाँ व्यापम और PSC में पूछा है, चलिए नोट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा महानदी, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी महानदी है। चलिए सेकंड बता रहा हूँ, इसको नोट करते चलिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, अब छत्तीसगढ़ में बह रही है सबसे लंबी नदी आपका आ जाएगा शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी आप 290 किलोमीटर। चलिए लिखते जाइएगा क्वेश्चन, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्या बताया था आपका, महानदी कौन सी है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी महानदी, दूसरा है आपका शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी जो छत्तीसगढ़ में बहती है और इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट है आपका महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत को क्या कहा जाता है, जल्दी से लिखिएगा, महानदी तीसरा पॉइंट है आपका, महानदी एवं, जल्दी लिखते जाइएगा, महानदी एवं इंद्रावती के बीच, इंद्रावती
नदी के बीच मध्य जल विभाजक को क्या कहा जाता है, जल विभाजक को क्या कहा जाता है? तो आप बताइएगा यहाँ पर केशकाल घाटी, ठीक है, क्या आएगा? तीसरा पॉइंट है आपका केशकाल घाटी, नोट कीजिएगा ना इसको, केशकाल घाटी क्या आएगा? केशकाल घाटी तीसरा पॉइंट है आपका केशकाल घाटी, ठीक है, केशकाल घाटी आएगा। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत को हम केशकाल घाटी के नाम से जाना जाता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन है, चौथा है, महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा, महानदी क्या, चौथा पॉइंट भूल गए क्या? चलिए एक बार बताऊं, महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग घेरता है, जो महानदी है आपका सर्वाधिक भाग घेरता है, ठीक है, सबसे ज्यादा महानदी, परसेंट कितना परसेंट है? तो देखिए महानदी का सबसे ज्यादा परसेंट है इसका कितना है, जल्दी से बताइएगा क्या है, कितना परसेंट है महानदी का? चलिए मैं ही बता रहा हूँ, 56.15% महानदी का जो है 56.15% है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी। अब देखिए यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, छोटी अपवाह तंत्र आपका नर्मदा नदी होगा, ठीक है, नर्मदा नदी है जो सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, नोट कर लीजिएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आप मैं जितना बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, व्यापम और पीएससी में। चलिए छठवां पॉइंट याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, हीराकुंड बांध ओडिशा भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप बताइएगा भारत का सबसे लंबा बांध ओडिशा बांध, नोट कीजिएगा कॉपी में, मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉपी रख लीजिएगा साथ में, बेवकूफ हो क्या, बीच बीच में कमेंट कर रहे हो, जब मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ अच्छे से, व्यापम पीएससी में पूछा गया है, बार बार इस टॉपिक में बात करते हो, मैं आपको रिमूव कर दूंगा इस बार, आप ज़्यादा नाटक करोगे ना मैं आपको रिमूव करूंगा। जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है, बार बार भारत के क्यों पूछ रहे हो, आपको तैयारी करना है कि नहीं करना है ये पहले बताओ, आप मैं रिमूव कर देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ वीर सॉरी सर बोल रहे हो, अब सॉरी बोलने की क्या जरूरत, जब यहाँ पर क्लास चल रही है तो यहाँ पर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बार बार मैसेज करके, बाकी बच्चों को परेशान होता है। चलिए बाकी ध्यान ना दीजिए इसका। चलिए सातवां पॉइंट क्या कहता है आपका, सातवां पॉइंट है आपका, चलिए नोट कीजिएगा, राज्य का सबसे लंबा सड़क जिसकी लंबाई है 1830, ठीक है, राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल, राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर है। देखिए आंसर नहीं मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर नोट कर लीजिएगा, राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है आपका दिलीप सिंह जुदेव सेतु, क्या आएगा, दिलीप सिंह जुदेव सेतु, नोट कर लीजिएगा इसको, ये आपके 2018 में और 19 में आया हुआ प्रश्न है, पीएससी 12 में भी पूछा गया है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु है जो राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है, राज्य का यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में लंबा सड़क पुल, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, जो तेल नदी है किसकी सहायक नदी है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, सहायक किसी को मालूम है क्या? नहीं सर, चलिए नोट कर लीजिएगा इसका आंसर,
इसका आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पर, तेल नदी की सहायक नदी होगा आपका महानदी। ठीक है, महानदी याद कर लीजिएगा इसको या फिर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, तेल नदी की सहायक नदी है महानदी। ये बताइएगा एक और क्वेश्चन में पूछा गया पीएससी प्री एग्जाम में, सूखा नदी की सहायक नदी क्या होगी। सूखा नदी का सहायक नदी, बिल्कुल क्लास कंटिन्यू करते जाइएगा, मैं डेली आपको बता रहा हूँ पीएससी और व्यापा में पूछा गया है। लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा, मैं 70% गारंटी दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ की नदिया से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, सूखा नदी की सहायक नदी है आप नोट कीजिएगा कोडार नदी, कोडार नदी। ठीक है, ये बताइएगा, देखिए एक क्वेश्चन और है सीजीपीएससी व्यापम असिस्टेंट लोकोपाल में पूछा गया है, पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है। पैरी नदी का प्राचीन नाम, पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप कमेंट में बताइएगा पलासनी, पलासनी, इसको नोट कर लीजिएगा पलासनी। ठीक है सर, एक मिनट रुक जाओ। ओके चलिए, पैरी नदी का प्राचीन नाम पलासनी है, पलासनी। ठीक है, क्या है पलासनी। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आभनेर मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, आंसर ए दंतेवाड़ा, आंसर बी खैरागढ़, आंसर सी बगीचा या आंसर डी तखतपुर। क्या आएगा, आभनेर मुस्का एवं पिपरिया, आभनेर मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम में स्थित है। क्या आएगा देखिए, चलिए पोलिंग बूट करते हैं, ए बी सी या डी क्या आएगा। 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, कमेंट करके बताइए कितने लोगों का आंसर आया है। 115 लोगों का आंसर बी आया है और 118 लोगों का आंसर ए आया है, और बाकी लोग कैसे आंसर नहीं दे रहे हैं, ए और बी बहुत लोगों का आ रहा है। सी का 70% है, सी का 70% आ रहा है। अब चलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों का धैर्य रखिए, जिन लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल, जल्दी से कमेंट करके बताइए, 30 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, जल्दी से कमेंट करें 30 सेकंड का। इंद्रावती नदी, आप सभी को अभी क्लास में बताया हूँ, इंद्रावती नदी ओडिशा, आप सभी को पता है ना ओडिशा, और जो ओडिशा है आपका कालाहांडी के पास स्थित है, उसको इंद्रावती नदी कहते हैं उद्गम स्थल। ठीक है, इसको बताइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दुधवा जलाशय, जल्दी से बताइए क्या आएगा। इंद्रावती, हसदेव, महानदी या शिवनाथ नदी, दुधवा जलाशय, दुधवा, दुधावा। ठीक है, क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। चलिए बता, कमेंट आने चालू हो गया है, कमेंट आना चालू हो गया है, चलिए बताइएगा क्या आ रहा है, महानदी और किसका आ रहा है, शिवनाथ नदी। चलिए, महानदी और शिवनाथ नदी, अच्छा, और देखिए जो महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी है तो आंसर डी गलत होगा। ठीक है, हाँ आंसर सी आया है सर, बिल्कुल सही है,
दुधावा जो जलाशय है आपका महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा, फिर इसका आंसर दीजिएगा क्या आएगा। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? चलिए इसका आप कमेंट में बताइएगा, तब तक आप लोगों को क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके व्यापम में आया हुआ है। तीनों नदियों का संगम क्वेश्चन देखेंगे, और यह क्वेश्चन आपके पीएससी प्री में और हॉस्टल वार्डन में और एसआई भर्ती में आया हुआ है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, इसका आप कमेंट में बताइएगा, आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना प्रश्न देखेंगे, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिएगा, और ये टॉपिक नोट कीजिएगा कॉपी में, हाँ कॉपी साथ में रखें और इसको नोट करें। चलिए, राजीव तीन नदियों का संगम स्थित है, कौन कौन सा है? राजीव, नोट कीजिएगा राजीव को, ठीक है, राजीव को नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा राजीव को। महानदी, महानदी प्लस पैरी नदी, उसके बाद आ जाएगा आपका सोंडूर नदी, ठीक है, सोंडूर नदी। राजीव तीन नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंडूर, यहाँ तक नोट कर लिए क्या? यहाँ तक नोट कर लिए तो सेकंड देखिए, पहला देखे थे, सेकंड देखेंगे, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण आपका आ जाएगा तीन नदियों का संगम में स्थित है, नोट करते हुए चलिएगा। जो शिवरी नारायण है आपका तीन नदियों का संगम है, महानदी, महानदी प्लस शिवनाथ नदी, नोट कीजिएगा कॉपी में, नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते यहाँ पर, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना जी सर, थैंक यू, नोट कीजिएगा, टाइम नहीं है ना यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ नोट करते चलिएगा। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, ये जो जोंक नदी है आपको ओडिशा से आती है, जोंक नदी, ठीक है, ओडिशा से, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चंद्रपुर, चंद्रपुर इसको नोट कर लीजिएगा, तीन नदियों का संगम में स्थित है चंद्रपुर, कौन से जिला में? जांजगीर चांपा, इसको नोट कीजिएगा, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा, चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, तीन नदियों के संगम पे, कौन कौन सा है नोट कीजिएगा, महानदी, महानदी प्लस मांडा नदी, मांडा नदी प्लस लात नदी, याद कैसे करोगे? महानदी, मांड नदी, लात नदी, महानदी मार दिया लात से, ठीक है, चंद्रपुर को महानदी लात से मार दिया, ऐसा याद कर लो, एग्जाम में आया हुआ है तभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, व्यापम और पीएससी में पूछा गया है, ऐसे फालतू में वीडियो नहीं लाता, ठीक है, सोच समझ कर मैं वीडियो लाता हूँ। जिनको तैयारी करना है अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा उसको मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। आपसे जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल को, उसी को वीडियो दिखने वाला है, और जो लाइक किएंगे उसको तो बहुत ही अच्छा, मतलब डेली क्लासेस मिलेगी उसको, और ऑल पर सेट किए हैं ना तो उसको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जब भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो को उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए या ना किए उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक वीडियो को लाइक नहीं करोगे, है ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दो, आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मैं खुद आपको भेजूँगा, ठीक है, मैं खुद आपको भेजूँगा नोटिफिकेशन,
वीडियो को लाइक कर दो एक बार। आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस करा रहा हूँ, है ना, कोई पैसा नहीं लिया रहा है, कोई भी पैसा नहीं लिया रहा है, बिल्कुल निःशुल्क है ना, बिल्कुल निःशुल्क है। फ्री क्लास डेली करते रहिएगा, फ्री में क्या है भाई, आपको मैं करा रहा हूँ, मेरा काम है ना। आपको मैं खुद नोटिफिकेशन भेजूँगा, वीडियो को एक बार लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो या ना करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डेली क्लासेस करना है तो खुद ब खुद सब्सक्राइब कर लोगे, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, 7:30 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, 8:30 बजे भारत का सामान्य ज्ञान, और हॉस्टल वाटरने की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें कंप्यूटर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्लास कल से प्रारंभ की जा रही है नई बैच में 7:45 को, ठीक है। कंप्यूटर का डेली आपको 50-50 MCQ कराया जाएगा 10 दिनों का क्रैश कोर्स के साथ, बिल्कुल फ्री निःशुल्क। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, अपने दोस्तों को, अपने सर को या फिर जितने भी हैं सहपाठी आपके, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने भी देखे ये वीडियो को अगर देखेंगे उसको समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों को या फ्रेंड को, ठीक है, यह ताकि आपको लगे कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास सही टाइम पर आ रही है और डेली क्लास करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।